मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज तारीख हो चली है 29 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, आज बात की जाए सिहाब चतुर की, तो सिहाब चतुर इस वक्त अपने सफ़र पर रुके हुए हैं। दोस्तों, उनके साथ भारी तादाद में लोग वहाँ पर जमा हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, उनके साथ अभी भी वहाँ पर हजारों की तादाद में लोग उनसे मिलने पहुँच रहे हैं। दोस्तों, सिहाब भाई ने लगभग 3 दिन से सफ़र नहीं किया है और अभी ये कहा नहीं जा सकता कि सिहाब भाई अभी भी चल सकते हैं या फिर शाम को चल सकते हैं। अभी उनका कोई इरादा ऐसा नहीं लग रहा जिससे कि सिहाब भाई को ये पता चले कि वो अपने सफ़र पर चल पड़े। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, सिहाब भाई अभी उसी जगह पर रुके हुए हैं जिस जगह पर हमने आपको पहले बताया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सिहाब भाई अभी अपने भारत देश के अंदर ही हैं। वो पंजाब राज्य के एक ज़िला पड़ता है अमृतसर, वहाँ के एक गांव शाखा पिंड के कॉलेज में ठहरे हुए हैं। दोस्तों, उस कॉलेज का नाम आपको बताया था, अगर नहीं आपको बताया तो मैं आपको बता दूं, उस कॉलेज का नाम आफिया कृषि स्कूल है। दोस्तों, सिहाब भाई वहाँ पर लगभग 3 दिन से आराम कर रहे हैं और उन्होंने 3 दिन पहले यानी 6 दिन आराम करने के बाद सफ़र शुरू किया था और वो वहाँ पर आ पहुँचे और वहाँ से अभी भी 3 दिन पर आराम पर ही हैं। अभी उन्होंने वहाँ से अपना सफ़र शुरू नहीं किया। दोस्तों, उनके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी साथी हैं, जितने भी उनके सफ़र में उनके घर से चले आ रहे हैं, उनके यार कह लीजिए या फिर रिश्तेदार कह लीजिए, वो भी अब अपने घर वापसी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं वहाँ पर, वो भी अब सिहाब भाई को अलविदा कहने के बाद अपने घर की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वक्त आ चुका है कि सिहाब भाई को अलविदा कहें और उनके लिए दुआ करें। तो दोस्तों, उनकी लाइव लोकेशन आज की यही है। आज तारीख 29 सितंबर हो चुका है, आज उन्होंने सफ़र शुरू नहीं किया है और वो अभी उसी जगह पर उसी कॉलेज में आफिया किड्स स्कूल में आराम कर रहे हैं। वहाँ पर सभी बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं और सभी को अपने सिग्नेचर करते हैं उनके टी शर्टों पर। दोस्तों, सभी से एक एक कर सिहाब भाई वहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और सिहाब भाई से जुड़ी हर नई अपडेट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।